हाय गाइस आज हम लोग पाइथन लैंगचेन में आउटपुट पार्सर देखेंगे सो ऑफिशियल डॉक में जाना है यहाँ से आपको आना है आउटपुट पार्सर यहाँ पर मॉडल्स आईओ के अंदर में आपको मिलेगा ये ये आउटपुट पार्सर्स आउटपुट पार्सर्स आर रिस्पांसिबल फॉर टेकिंग द आउटपुट ऑफ एन एलएलएम एंड ट्रांसफॉर्मिंग इट टू अ एल एल एम एंड ट्रांसफॉर्मिंग वेरी यूजफुल यूजफुलर यूजिंग एल एल एम टू जनरेट एनी फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर डेटा बिसाइड हैविंग अ लार्ज कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ आउटपुट पार्सल्स वन डिस्टिंग बेनिफिट ऑफ लैंग आउटपुट पार्सर इज दैट मेनी ऑफ दपोर्ट स्ट्रीमिंग सो स्ट्रीमिंग सपोर्ट करते हैं अभी किस किस तरीके के है यहाँ पर आप देख लीजिएगा इसको ठीक है इतना ज्यादा हम लोग इसमें देखेंगे नहीं मैं आता हूँ क्विक स्टार्ट में यहाँ पर यहाँ पर लिखा हुआ है कि लैंग्वेज मॉडल आउटपुट टेक्स्ट तो लैंग्वेज मॉडल जो होते हैं वो आउटपुट करते हैं टेक्स्ट बट मेनी टाइम्स यू मे वॉन्ट टू गेट मोर स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन देन जस्ट टेक्सट बैक दिस इज वेर आउटपुट पार्सर कम्स इन यानी कि Mostly जो मोस्टली जो एल एल एम्स हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं टेक्स्ट रिटर्न करते हैं के तौर पर मगर बहुत ऐसे यूज केस आपके पास आएंगे जब आपको टेक्स्ट नहीं कोई किसी और फॉर्मेट में डेटा चाहिए हो जो LLM आपको रिटर्न करता करता है है हुआ तो उस केस में आप लैंगचेन के आउटपुट पार्सर का इस्तेमाल करते हैं लेकिन आउटपुट पार्सर है क्या इन लैंगचेन आउटपुट पार्सर आर क्लासेस दैट हेल्प स्ट्रक्चर लैंग्वेज मॉडल रिस्पॉन्स यानी कि इन क्लासेस का यूज करके आप जो लैंग्वेज मॉडल जो रिस्पॉन्स देता है उसको अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर कर सकते हैं इसमें दो मेन मेथड्स हैं पहला है गेट फॉर्मेट इंस्ट्रक्शन अ मेथड विच रिटर्न अ स्ट्रिंग कंटेनिंग इंस्ट्रक्शन फॉर हाउ द आउटपुट ऑफ अ लैंग्वेज मॉडल शुड बी फॉर्मेटेड यानी कि इस मेथड को जब आप कॉल करते हैं किसी पार्सर के साथ किस आपको किसी इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और उस पर आप ये फंक्शन को कॉल करेंगे ये फंक्शन क्या रिटर्न करता है ये फंक्शन रिटर्न करता है कि किस तरीके से आउटपुट फॉर्मेट होना चाहिए उस चीज को यहाँ पर रिटर्न करता है मैं आपको दिखा दूंगा अभी कोड में आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या रिटर्न करता है और दूसरा मेथड होता है पार्स मेथड विच टेक्स इन अ स्ट्रिंग एज्यूम टू बी रिस्पॉन्स फ्रॉम आई लैंग्वेज मॉडल एंड पार्स इट इन टू सम स्ट्रक्चर तो एक पार्स मेथड होता है जो कि मॉडल रिस्पॉन्स करता है उसको एज अ लेता है इनपुट मान लीजिए मतलब पैरामीटर के तौर पर लेता है और आपको मोर स्ट्रक्चर वे में आपको आउटपुट देता है और एक ऑप्शनल है पार्स विथ प्रोम यहाँ पर इसको पढ़ लीजिएगा बाकी यहाँ पर एक एक्जाम्पल है ये काफी थोड़ा सा अलग सा एजाम्पल है बट हम लोग इजी एक सा एक्जाम्पल देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे ठीक है तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं अब पार्सर में बाकी टाइप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग टाइप के पार्सर होते हैं यहाँ पर देख लीजिए अब आपको सारे तो एक एक करके नहीं दिखा सकता लेकिन आप इसको पढ़ सकते हैं जैसे सी एस बी पार्सल है दूटपुट पार्सल कैन बी यूज बेन यू वन टू रिटर्न अ लिस्ट ऑफ कॉमा सेपरेटेड आइटम्स जिसमें आप कॉमा सेपरेटेड लिस्ट आउटपुट पार्सर का यूज करते हैं आपको जो भी चीज रिटर्न होगी वो कॉमा सेपरेट करके देगा एक लिस्ट के तौर पर डेट टाइम पार्सर होता है आपको डेट टाइम चाहिए होता है तो डेट टाइम आउटपुट पार्सल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका एग्जाम्पल आपको यहाँ पर देखेंगे मतलब डॉक्यूमेंटेशन ठीक है इसका अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छी समझ में आ जाएगा फिर यहाँ पर जयसन पार्सर है अगर आपको द आउटपुट पार्सर लाउज यूजर टू स्पेसिफाई एन स्पेसिफाइन जेंसन स्कीमा एंड क्वेरी एल एम फॉर आउटपुट टू दैट स्कीमा सो आप उसका इसका भी यूज कर सकते हैं जेसन आउटपुट पार्सर का यूज कर सकते हैं किस तरीके से देखिए यहाँ पर इस तरीके से आपको एक बनाना पड़ेगा क्लास जिसमें अपना डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं फिर आप यहाँ पर अपना जैसा आउटपुट पार्सल लगा के और पेडेंटिक ऑब्जेक्ट यहाँ पर आपको देना तो जो आपने स्ट्रक्चर बनाया डेटा स्ट्रक्चर की क्या आपको चाहिए किस तरीके से चाहिए वो आप यहाँ पर देते हैं और फिर बाकी का काम इधर नीचे सेम रहता है जैसे जैसा अभी तक आप सीखते हुए आ रहे हैं तो मैं आपको दो अलग अलग टाइप के दिखाता हूँ इस तरीके से मैं पेडेंटिक आपको पार्सल दिखाता हूँ जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं पेडेंटिक पार्सल तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ और डेट टाइम पार्सल दिखाता हूँ ये पूरा कवर हो जाएगा ठीक है चलिए ये देखते हैं और इसमें कुछ नहीं आउटपुट पार्सर में चलिए दिखाता हूँ मैं इजीलि समझ में इजिली समझ में आ जाएगा चलिए नीचे करते हैं इसको यहाँ पर एक फोल्डर नए क्रिएट करते हैं इसको लिखते हैं सी और सी में एक हम लोग फाइल बनाते हैं टेस्ट डॉ पी वाई भी मैं एल और चैट मॉडल ऐसा करके नहीं दिखाऊंगा मैं डायरेक्टली चैट मॉडल आपको दिखा रहा हूँ चेट मॉडल ज्यादा यूज होता है और उसको हम आगे लेकर चलेंगे बट आप इसको एल और चैट मॉडल दोनों में ही यूज कर सकते हैं ठीक है जी तो हम लोग क्या करना है हम लोग यहाँ पर डॉट ई एन भी हमें चाहिए होगा एक हम लोग वर्चुअल पहले इसमें क्रिएट करते हैं सी डी सी एच फाइव इसके अंदर गया हमें आप लिखे वर्चुअल ई एन वी वी ई एन वी इंटर की और एक वर्चुअल भी हमारे यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा आप चाहें तो रिकॉर्ड टेस्टी को कॉपी पेस्ट करके इंस्टॉल कर सकते हैं सारे पैकेजेस को बट मैं वैसा नहीं करूंगा मैं क्या करता हूँ मैं सी एल एस को करता हूँ आप लिखते हैं पी आई पी इंस्टॉल और प्ले एक्टिवेट कर लेते हैं सो वी एन वी और यहाँ पर हो जाएगा स्क्रिप्ट और यहाँ पर जाकर यह एक्टिवेट और हो गया अब हम लोग इंस्टॉल और लैंग चेन, लैंग चेन मैं ये इंस्टॉल करता हूँ इसी वजह से बिकॉज बहुत जल्दी जल्दी अपग्रेड हो रहा है लैंग उसके वर्जन तो मैं चाहता हूँ लेटेस्ट वर्जन के साथ हम लोग काम करें इसी वजह से मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ वरना ना मैं कॉफी पेस्ट भी कर सकता था ऊपर वाले से इसके साथ ही हम लोग इंटीग्रेशन के लिए मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इंटीग्रेशन के लिए हमें चाहिए वो ओपन के साथ इंटीग्रेट करना है ये वाला ओके सो देखिए ये लगभग कम्प्लीट होने को है अब लोग इसको करते हैं सी एल एस और ओपिन कर लेते हैं यहाँ से क्विकली ये इंस्टॉल हो रहा है हमें पाइथन डी कपल चाहिए होगा तो हम लोग यहाँ से आते हैं और इसको कॉपी कर लेते हैं और सिंपली यहाँ पर आके इसको पेस्ट करेंगे और इसको भी इंस्टॉल कर लेंगे तो बाकी और कुछ चाहिए नहीं बस इतना ही चाहिए होता है हमें सो ये सारी चीज़ें आगे हम लोग इसमें से सो क्लियर करते हैं पी आई पी फ्रीज और रिक्वायरमेंट डॉट टी एच टी करके जनरेट कर लेते हैं हम लोग चलिए बढ़िया जनरेट हो गया अभी हम लोगों को चाहिए क्या ये डॉट एन वी फाइल यहाँ पर चाहिए तो मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करूंगा सो so, कोड हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे सबसे पहले तो एक एग्जाम्पल मे दिखाऊंगा एग्जाम्पल वन यहाँ लिख देते हैं एग्जाम्पल वन और इसमें मैं आपको कुछ पार्सर के आउटपुट दिखाऊब्जेक्ट बना के ऑब्जेक्ट बना के दिखा देता हूँ ठीक है कुछ मतलब दो दिखा देता हूँ ठीक तो आप थोड़ा सा कम्फर्ट फील करें इसमें तो यहाँ आप कहाँ से इम्पोर्ट करना है आपको लैंगचेन डॉट आउटपुट पार्सर से इम्पोर्ट करना है क्या एक तो मैं आपको डेट टाइम दिखाता हूँ इसको हम लोग यूज करके भी देखेंगे डेट टाइम आउटपुट पार्सर और एक दिखाता हूँ कॉमा कॉमा सेपरेटेड लिस्ट आउटपुट पार्सर ये वाला इसके अलावा मैं यूज करूंगा तो मैं इसको भी अभी के लिए इम्पोर्ट कर ही लेता हूँ तो अभी हम लोग एक्साम्पल पहले दिखाता हूँ किस तरीके से हम हैं डेट टाइम पार्सर इक्वल ये क्लासेस हैं जो आप देख रहे हैं हमने जो इम्पोर्ट किया हुआ तो ये इसका हम लोग डेट टाइम आउटपुट पार्सर अगर इस तरीके से लिखें और यहाँ पर अगर प्रिंट करें इसको तो यहाँ पर आपको मिलेगा डेट टाइम आउटपुट पार्सर और इसी में आपको एक मिल जाता है अगर अभी आप इसको देखेंगे मैं इसको करता हूँ सेव सेव किया और हम लिखेंगे python टेस्ट डॉट डॉट पी वाई की प्रेस करते हैं और यहाँ पर कुछ भी को देखने, देखने को नहीं मिलेगा तो हम क्या करते हैं हम लोग फंक्शन को कॉल करते हैं जो दो फंक्शन हमें दी जाती हैं पहला होता है get format instruction तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि date time और जब आप यूज़ करेंगे तो आपका क्या आउटपुट फॉर्मेट बनेगा उसका क्या इंस्ट्रक्शन है वो आपको देखने को मिलेगा सो so, इसको रन कीजिए और यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है थोड़ा सा ऊपर करता हूँ मैं यहाँ लिखा है कि यहाँ लिख है मैच दैट फॉलोइंग पैटर्न पैटर्न ये वाले को मैच करना एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने दे दिया है कि इस तरीके से रिटर्न ओनली दिस स्ट्रिंग नो अदर वर्ड्स ऐसा लिखा हुआ है तो इसमें हुआ क्या मतलब क्या इसमें आउट पार्सल से क्या मिल मिलकर रहा है लैंगचर हमें देख रहा है इन क्लासेस हमें क्या दे रहा है इसको समझिए जो हम लोग सिस्टम मैसेज में लिख लिख सकते थे कि हमें आउटपुट में क्या चाहिए आप ये हो आप आउटपुट कैसे दोगे ये इस तरीके से आप आउटपुट दोगे एक प्रॉम टेम्पलेट बनाकर आप इस भी आप इसको लिख सकते थे तो इस चीज को आपको लिखना ना पड़े इसीलिए इन्होंने किया क्या किया अलग अलग क्लासेस बना दिए कि अगर आपको सिर्फ डेट टाइम चाहिए तो उस केस में आप इसको यूज करीजिए बजाय उतना लंबा चौड़ा यह सब मैनुअली लिखने के आपको लिखने की इतनी आवश्यकता नहीं है सिर्फ आप ये क्लास यूज कीजिए और मैंने इसको लिख रख दिया हुआ है अगर आप ये क्लास यूज करेंगे तो आपको डेट टाइम आउटपुट में मिलेगा इस फॉर्मेट पे। ठीक है तो ये बस हमारा काम आसान कर रहा है शॉर्टकट कर दे रहा है हमारे लिए इस एक क्लास से ठीक है और कुछ नहीं तो ये हो गया अभी आप इसी को अगर इसमें और कुछ है नहीं बस इसी एक को ही देख सकते हैं बाकी अगर रिस्पॉन्स मिलता तो हम लोग पार्स मेथड को भी देख सकते थे जो आपको थोड़ी देर में दिखा दूंगा अभी के लिए ये एक देखा हमने एक और मैप को दिखा देता हूँ जिसपे हम लोग कॉमा सेपरेटेड बाय को देख लेते हैं यहाँ पर हमने लिखा और ये वाला जो हमारा क्लास है उसको हमें यहाँ पर चिपकाना है ओके गड़बड़ कर दिया मैंने पूरा सेलेक्ट हो यहाँ पर चिपकाना फिर ये जो कॉमा सेपरेट ये हमने बनाया ऑब्जेक्ट यहाँ पर लगाना है और इसका आउटपुट देखना है तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ ऊपर वाले को और सिंपली हम लोग इसको देखते हैं इसमें भी वही इंस्ट्रक्शन लिखा गया है कि योर रिस्पॉन्स शुड बी अ लिस्ट ऑफ कॉमा सेपरेट वैल्यू एग्जाम्पल के तौर पर इस इस तरीके से होना चाहिए तो इस तरीके से और भी पार्सर क्लासेस हैं जो मैंने अभी आपको दिखाया था बट सभी इस तरीके से काम नहीं करते कुछ कुछ को आपको यहाँ पर देना पड़ता है ऑब्जेक्ट पास करना पड़ता है वैल्यूज पास करनी पड़ती हैं तभी आपको वह काम करके दिखाएगा लेकिन अभी के लिए हमने दो देखा कि हाँ इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं जैसे उनको आइडेंटिक आउटपुट पार्सर भी दिखाऊंगा थोड़ी देर में जिसमें हम लोग कोई वैल्यूज देंगे वैल्यू देंगे मैं कोई दूसरा दिखाता हूं यहाँ पर two, और इसमें आपको डेट टाइम का एक बेहतर एग्जाम्पल दिखाता हूँ तो इसको कॉपी कर लेते हैं इस वाले को कॉपी किया यहाँ पर पेस्ट करते हैं और मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ मैं यहां पर लिखने वाला हूँ और इक्वल और इसमें हम लोग लिखेंगे रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट और एक न्यू लाइन के लिए हमने स्लैश एन दे दिया और यहाँ पर लिखेंगे फॉर्मेट फॉर्मेट इंस्ट्रक्शन लिख देते हैं इंस इंस्ट्रक्शन आप कुछ भी लिख सकते हैं वैसे फॉर्मेट इंस्ट्रक्शन लिख दिया उसके बाद किया क्या यहाँ तक करते हैं इसको चैट प्रॉम्प्ट बनाते हैं चैट प्रॉम्प्ट इक्वल और चैट प्रॉम्प्ट हमने अगर इम्पोर्ट नहीं किया है तो हमें इम्पोर्ट करना पड़ेगा ऊपर से हम लोग दो चीजें इम्पोर्ट कर लेते हैं एक तो हमें इम्पोर्ट करना पड़ेगा ये आप कीजिएगा हमें इम्पोर्ट करना है हमें इम्पोर्ट करना है चैट ओपन एआई और साथ में हमें इम्पोर्ट करना है मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ ये सारी चीजें अगर आवश्यकता पड़ेगी तो यूज करेंगे वरना मैं हटा दूंगा जिससे प्रॉम टें आई डोंट थिंक कि हमें आवश्यकता पड़ने वाली तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ सिस्टम मैसेज देखेंगे अगर जरूरत पड़ती है तो ठीक वरना इसको हटा देंगे फिलहाल हमें चाहिए ये चैट प्रॉम्प्ट इसको कॉपी किया मैंने और कॉपी करने के बाद हम लोग एक हम लोगों ने अभी तक डॉट इन वी का इम्पोर्ट नहीं किया तो मैं उसको कर लेता हूँ वरना हमारा मॉडल कैस, कैसे बनेगा सो ये यहां पर लिख देते हैं डी कबल को इम्पोर्ट किया हमने पहले उसके बाद सीक्रेट की निकाल लिया हमने डॉट एन वी से और यहाँ पर हमने चैट मॉडल ए आई से चैट एक बना लिया हुआ है और अभी भी यहाँ पर हमें अपना चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट यूज करना है यहाँ लिखना है फ्रॉम मैसेज और यहाँ पे लिखे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में ह्यूमन मैसेज टेम्पलेट फ्रॉम टेम्पलेट और यहाँ पर आपको दे देना है जो आपने ह्यूमन टेम्पलेट बनाया था ये ऊपर में हुआ ये चैट प्रॉम्प्ट वन के आप इसको प्रिंट करके देखना चाहे प्रिंट करके आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखिए चैट प्रॉम्प्ट फॉम तो लिख मुस्तरीके चैट प्रॉम्प्ट उसके बाद चैट प्रॉम्प्ट इसको सेव करें कहीं और प्रिंट तो नहीं है कहीं और प्रिंट नहीं है यहाँ ये सी एल एस कीजिए और इसको रन कीजिए और अभी के लिए आपको ये दिख जाएगा इनपुट वेरिएबल फॉर्मेट इंस्ट्रक्शन और रिक्वेस्ट दो इनपुट वेरिएबल हमें देना है मैसेज है ह्यूमन मैसेज प्रॉम्प्ट में ये वेरिएबल से ही है और कोई टेक्स्ट वगैरह है नहीं तो बस इतना ही आपको देखने को मिल रहा है फिर इसको फॉर्मेट करते हैं और इसके लिए Values देते हैं, मतलब जो इनपुट वेरियबल उनके लिए values देते हैं। इसमें so, लिखा पर पर लिखना है chat prompt, जो हमने ऊपर बनाया हुआ dot form, format message, format messages, और यहां पर आपको दो input variable तो दोनों के लिए आपको value देना पड़ेगा। पहला है हमारा नहीं आ रहा क्या क्या और करना चाहते हैं इसमें ये मैं चा, जानना चाहता हूँ और हमें यहाँ पर देना पड़ेगा फॉर्मेट स्ट्रीमेट फॉर्मेट फॉर्मेट इंस्ट्रक्शन जो सेकंड वेरिएबल है हमारा ये तो, तो, तो मज़ा आ जाता है और इन ट्रक इक्वल और इसमें क्या देंगे इंस्ट्रक्शन अब क्या देंगे अब जो ये हमें आउटपुट में सिर्फ चाहिए डेट तो हम लोग ये वाला इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि जो हम लोग डेट आउटपुट पार्सल से निकाल रहे थे वह तो आप पूरे को यहाँ से यहाँ तक का कॉपी करके यहीं इसी में इंस्ट्रक्शन लिखा होता है मैंने आपको भी दिखाया था प्रिंट करके कि आपको सिर्फ डेट चाहिए इस फॉर्मेट में और कोई अदर वर्ड नहीं चाहिए सो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं आप कुछ इस तरीके से अब फॉर्मेट इंस्ट्रक्शन हमारा इसमें शामिल है इस ह्यूमन टेम्पलेट में रिक्वेस्ट क्या सवाल पूछना है उसको हुआ और पूरा इंस्ट्रक्शन इसमें शामिल तो है अगर आपकी इच्छा है तो आप ऐसे भी इसको दे सकते हैं कहीं ओवर प्रिंट स्ट्रेडमेंट नहीं है तो सिंपली यहाँ आना है क्लियर करना है टेस्ट रन करते हैं और यहाँ पर आप देखिए आपको देखने को मिले सो so, यहाँ पर फॉर्मेटेड चैट पर अपने कॉन्टेंट है वट डज डेट वॉज वेन वर्ल्ड वार्ट टू डिक्लेयर्ड और इसका हमने फॉर्मेट इंस्ट्रक्शन दिया कि राइट डेट टाइम स्ट्रिंग दैट मैच इज फॉलोइंग पैटर्न पैटर्न मैच करना चाहिए एग्जाम्पल के तौर पर दे दिया हुआ है और सिर्फ यही स्ट्रिंग रिटर्न करना है कोई अदर वर्ड रिटर्न नहीं करना ये हमने फॉर्मेट स्ट्रिंग में क्या दिया हुआ है अगर आप ये फॉर्मेट स्ट्रिंग नहीं देंगे तो हो सकता है कि आपको जो आउटपुट आएगा मतलब मॉडल के पास रिस्पॉन्स मॉडल मॉडल से जो रिस्पॉन्स आएगा हुआ उसमें थोड़ा सा टेक्स्ट भी हो कि वर्ल्ड वार टू इस वजह से हुआ था इतनी तारीख को हुआ था बट हमें उतना टेक्स्ट नहीं चाहिए हमें सिर्फ चाहिए डेट इसी वजह से हमने ये फॉर्मेट इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है और इस पर हमने ये डेट टाइम पार्सर का ऑब्जेक्ट लगाया हुआ है ठीक है समझ में आ गई मेरी बात आप चाहें तो इसको हटाकर डायरेक्टली अपना ये पूरा इंस्ट्रक्शन एज अ टेक्स्ट लिख भी सकते हैं लेकिन लैंगचेन हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसी वजह से कि हमारा काम आसान हो जाए और हमारा काम आसान करने के लिए अगर आपको सिर्फ डेट टाइम चाहिए तो उसने ये क्लास बनाया हुआ है कि आपको अगर किसी भी रिस्पॉन्स पर सिर्फ डेट टाइम चाहिए तो आप ये वाला क्लास यूज़ कीजिए इसका ऑब्जेक्ट और इस तरीके से इसका इस्तेमाल कीजिए और वही इंस्ट्रक्शन मैं लिख कर दूंगा जो आप मेनुअली लिखते हैं वो आपको लैंगचिन लिख कर दे रहा है ठीक है तो इसका इसको यूज करने का मकसद आपको समझ में आ गया होगा होपफुली अब सिंपली क्या करना है जो की हमने ये देख लिया तो हम लोग इसको करते हैं कमेंट और हम लोग रिस्पॉन्स ले लेते ले हैं वो करके ओपन ई आई से यहाँ पर चैट डॉट जो में, में हमने चैट मतलब बनाया है ऊपर में उसमें हमने इन करना है को कॉल किया मतलब ये हमारा एक फंक्शन है और लिखना है फॉर्मेटेड चैट पॉइंट अभी इसमें से हमें मिल जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं प्रिंट हमारे हमें कहाँ मिलता है प्रिंट प्रिंट हमने यहाँ पर क्या लिखे भाईपॉन्सेंट बिकॉज मुझे सिर्फ कॉन्टेंट चाहिए पूरा रिस्पॉन्स नहीं चाहिए तो मैं हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डॉट और आप अगर पार्स का अगर आप यूज करना चाहते हैं पार्स जो रिस्पॉन्स कॉन्टेंट पार्स जो हमें एक और मेथड मिलता है गेट इंस्ट्रक्शन की गेट फॉर्मेट इंस्ट्रक्शन के अलावा उसका आप यूज कर सकते हैं उसके लिए आपको बस इसमें पार्स मेथड ये डेट टाइम पार्सर डॉट पार्स इस तरीके से लिखना होता है और यहाँ पर आप ये रिस्पांस कॉन्टेक्ट देते हैं चलिए देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है हम लोग करते हैं इसको सी एल एस और ये क्या होगा ये पूरा कवर जो आपने जो कुछ भी आपने लिखा ये सारा चल जाएगा ओपन ई आई के पास कर दो तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ अननेसेसरी क्यों ये सारी चीज़ें रानूनी तो ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है चैट का यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कर, ये क्या करेगा ये डेट टाइम का पहले ऑब्जेक्ट बनाया है इसने एक मिनट हमने बना दिया चैट प्रॉम्प्ट हमने बना दिया इसको फॉर्मेट कर दिया दोनों को रील के वैल्यू दे दिया हुआ है अब सिंपली हम लोग इन्वॉक कर रहे हैं ओपन एआई के पास रिक्वेस्ट कर रहे हैं रिस्पॉन्स के लिए

अपना खुद का डेटा स्ट्रक्चर बना सकते हैं तो मैं इसको करता हूँ पूरे को कमेंट हम लोग एक और एग्जांपल और पर देखते हैं नाम रखेंगे एग्जांपल एग्जांपल ओके थ्री यहाँ पर नाम रखा हुआ है और इसमें लोग पैडेंटिक आउटपुट पार्सर का इसका यूज करेंगे देखिए कैसे यूज होता है नीचे आना है और यहाँ पर सबसे पहले आपको करना है अपना डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन यहाँ पर मैं कमेंट लिखता हूँ हम लोग डिफाइन करते हैं डेटा स्ट्रक्चर क्लास बनाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे मुझे मुझे चाहिए क्या मुझे मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ फिर आपको समझ में आएगा क्रिकेट क्रिकेटर एक क्लास हमें बनाते हैं क्रिकेटर और इसको ये इनहेरिट करेगा बेस मॉडल को बेस मॉडल अभी तक तो हमने इम्पोर्ट नहीं किया था ये बेस मॉडल को इम्पोर्ट कर लेते हैं ये हमें इम्पोर्ट करना है ऊपर पहले आते हैं और ये इम्पोर्ट करना है आपको लैंग्चेन कोर, वी वन से बेस मॉडल और फील्ड तो हम लोग फील्ड भी डिफाइन करेंगे अपने इस जो क्लास बना हमने वह यहाँ पर हमने बनाया ये अभी यहाँ पर हम लोग पहले देते हैं नेम और लिखते हैं एस टी आर ये स्ट्रिंग टाइप का होगा ये यह हमने यहाँ पर डिफाइन किया इक्वल ये आप अपना उस पाइथन का जैसा क्लास नहीं बना सकते आपको इस तरीके का क्लास बनाना है ठीक है नेम हमने लिखा फिर एस टी आर दिया ऊपर जो हमने हमनेट किया था हुआ और यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन देना होता है डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में आप तो, जैसे मैं यहाँ पर देता हूँ कि नेम में क्या होगा नेम में होगा नेम ऑफ क्रिकेटर ये होगा क्रिकेटर ऊपर क्रिकेटर का स्पेल में सही लिख रहा हूँ क्रिकेटर और दूसरा हम लोग यहाँ पर देते हैं रिकॉर्ड रिकॉर्ड्स या रिकॉर्ड्स लिख देते हैं ये लिस्ट होगा और इक्वल और इस पे फील्ड और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन हम लोग देंगे डिस्क्रिप्शन ये क्या होगा ये होगा एक पाइथन लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स ये ने लिख दिया डिस्क्रिप्शन पे आप कुछ भी लिख सकते हैं वैसे ये लिख दिया अभी ये हमारा एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर बन गया कि हमें इस तरीके के आउटपुट चाहिए इस तरीके का आउटपुट चाहिए ये हमारा अपना डेटा स्ट्रक्चर है एक हमने कहा कि इस तरीके का आउटपुट हमें चाहिए अभी हमें क्या करना है अभी हमें अपना पार्सर ऑब्जेक्ट बनाना है यहाँ पर हम तो लोग यहाँ पर लिखते हैं पार्सर आप तो पार्सर आप हम लोग यूज़ तो भी लिख सकते थे उसे कोई को इशू नहीं होगा अगर आप ऐसे भी लिखें तो यहाँ पर आप पार्सर की जगह पर कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी से तो ये लिखना है और इसको पैडेंटिक ऑब्जेक्ट ये हमारा एक क्लास बनेगा तो यहाँ पर आपको एक पैरामीटर देना पड़ेगा जिसमें आप लिखेंगे पैडेंटिक ऑब्जेक्ट और उसमें आप ये वाली क्लास लिख देंगे चलिए

इन्होंने बताया एग्जाम्पल का इज अ वेल फॉर्मेटेड इंस्टेंस ऑफ स्कीमा द ऑब्जेक्ट दिस दिस स्कमा दबे आउटपुट स्कीमा को इस तरीके से जाएंगे एग्जाम्पल जा, जा, बता रहा है और ये आउटपुट स्कीमा हमारा कुछ इस तरीके से होगा तो नेम दिखेगा टाइटल दिखेगा डिस्क्रिप्शन दिखेगा टाइप यहाँ पर स्ट्रिंग दिया रिकॉर्ड्स रिकॉर्ड्स में टाइटल लिख सकता है डिस्क्रिप्शन लिख सकता है और ये सब चीज दिख सकती है तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा है ठीक है अभी ऐसा ही डिकटॉप को मिले ऐसा जरूरी नहीं है लेकिन हाँ इस ए मॉडल को समझ में आएगा कि हाँ मुझे ये एक स्ट्रक्चर दिया गया है और मुझे इस तरीके का आउटपुट रिस्पॉन्स के तौर पर देना है अभी आगे आप देखिए फिर आपको धीरे धीरे समझ में आएगा तो हम लोगों को यह करना है हम लोग को वही जो ऊपर में किया था हमने वही सेम एज इट इज करना है तो हम लोग यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं क्या देखिए मैं यहाँ पर लिखता चल रहा हूँ इसको पहले कमेंट कर देते हैं ताकि ज्यादा प्रिंट स्टेटमेंट हमारे एक साथ में प्रिंट हो तो ह्यूमन होता हमने एक बनाया कि किट इ रिक्वेस्ट और फॉर्मेट इंस्ट्रक्शन उसके बाद चैट प्रॉम्प्ट चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट फ्रॉम मैसेजेस से ह्यूमन मैसेज प्रॉम्प्ट टेम्पलेट और फॉर्म टेपलेट से ह्यूमन टेम्पलेट जो हमने ऊपर किया था सेम वे डिटो हम लोग यहाँ भी कर रहे हैं उसी तरीके से हम लोग जो फॉर्मेटेड चैट प्रॉम्प्ट होगा उसको भी यहाँ पर लिख लेंगे कॉपी पेस्ट ऊपर से ही कर रहा हूँ मैं so, यहाँ लिखा फॉर्मेटेड चैट प्रॉम्प्ट चैट प्रॉम्प्ट डॉट फॉर्मेट मैसेजेस और यहाँ पर रिक्वेस्ट में अब के बारे में दिया टेल मी अ टेल मी अबाउट अ क्रिकेटर और फॉर्मेटे इंस्ट्रक्शन में मैंने पार्सल ये जो पार्सल था पार्सल डॉट गेट फॉर्मेट इंस्ट्रक्शन दे दिया तो इसको समझ में है कि किस तरीके से इसको फॉर्मेट करना जो आउटपुट है हुआ और हमारा आउटपुट का जो फॉर्मेट का जो डेटा स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके इस, इस पे डिफाइन है डिपेंड करता है वही चलिए हम लोग इससे पहले कि रिस्पांस करें हम लोग देख लेते हैं इस फॉर्मेटेड को कि ये किस तरीके से दिखता है तो हम लोग इसको प्रिंट करेंगे जिससे कीजिए सी एल एस और थोड़ा सा इसको हम लोग बड़ा करेंगे इतना बड़ा और यहाँ पर इसको रन करते हैं देखिए फॉर्मेट चार्ट आपको दिखता है और यहाँ पर एग्जाम्पल दे दिया गया है इस तरीके से ओके सो so, देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखा गया नेम है फिर डिस्क्रिप्शन है फिर टाइप स्ट्रिंग रहेगा ये और रिकॉर्ड है टाइटल है इसमें ये डिस्क्रिप्शन ये दिया गया है और यहाँ पर टाइप ये एरे रहेगा बिकॉज उन्होंने लिस्ट दिया था और आइटम्स वगैरह ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है सो करते हैं नीचे और रिस्पॉन्स लेने की बारी अब आ गई है तो हमें यह करना है करना है ये हमने इनवोक किया और साथ में हम लोग इसको प्रिंट कर लेंगे तो हम लोग प्रिंट कर लेंगे इसे कॉन्टेंट को यहाँ पर कॉन्टेंट को प्रिंट करेंगे और साथ में मैं इसको पार्स भी करना चाहूंगा इस कॉन्टेंट को ताकि हमें एक्सैक्ट जो हमें चाहिए वो हार्ड फोटो हम देखने को मिले तो दो दो आपको देखने को मिलेगा इस वाले को मैं कमेंट कर दूंगा ठीक है यहाँ आइए जिसको तो कहते हैं सी एल एस और इसको करते हैं वापस से रन और ये ए पे हिट मारेगा मॉडल पे हिट मारेगा और वहां से रिस्पॉन्स ला के देगा हमें हमारे फॉर्मेट पे रिस्पॉन्सेंट आपको पहले यहां देखना है तो नेम विराट कोहली अभी मिल रहा है हमें रिकॉर्ड फास्टेस्ट प्लेयर टू रीच एट थाउजेंड नाइन थाउजेंड टेन थाउजेंड इलेवन थाउजेंड ट्वेल्थ थाउजेंड रन इन वन डे इंटरनेशनल ये इसका रिकॉर्ड यहाँ पर दिख रहा है फास्टेस्ट प्लेयर टू स्कोर ट्वेंटी थाउजेंड इन इंटरनेशनल रन मोस्ट डबल सेंचुरी पढ़िएगा वैसे तो पढ़ के अच्छा लगेगा लेकिन इसको पढ़ सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आपको ये आउटपुट मिलता है कॉन्टिनेंट डॉट रिस्पॉन्स पे लेकिन जिसको इसको आप पार्स करेंगे तो आपको और वेल स्ट्रक्चर्ड मिलेगा जैसे नेम डायरेक्ट आपको यहाँ पर मिलता है फिर रिकॉर्ड एक लिस्ट के तौर पर आपको यहाँ पर डेटा मिल जाए तो ये हमें चाहिए होता है ये पार्स वाला डेटा आउटपुट के तौर पर फिर आप इसको जहाँ चाहे वैसे दिखा सकते ओके सो ये है आउटपुट पार्सर कि किस तरीके से आप अपना रिस्पॉन्स दिखाना चाहते हैं या फिर रिस्पॉन्स का फॉर्मेट क्या लगाना चाहते हैं वह आप

आवश्यकता पड़ेगी कहीं आपको पाइथन लिस्ट चाहिए होगा कहीं आपको सिंपल स्ट्रिंग ही चाहिए होगा तो आप कस्टम मैसेज लिख कर सिस्टम मैसेज कस्टम सिस्टम मैसेज लिख कर अपने मॉडल को कह सकते हैं कि मुझे इस तरीके का आउटपुट चाहिए लेकिन उससे बेटर आइडिया इन्होंने दिया हुआ है कि आप मेरे हमारे आउटपुट पार्सर क्लासेस का यूज़ कीजिए उस पर हमने बिल्ट इन इंस्ट्रक्शन लिख दिया हुआ है बेहतर तरीके से जिससे आपको उस तरीके का आउटपुट मिल जाएगा जिस तरीके का आपको चाहिए अगर मुझे डेट टाइम चाहिए तो मैं इसका यूज़ करूँगा अगर मुझे कॉमा सेप्टेड लिस्ट चाहिए तो मैं इसका यूज़ करूँगा अगर मुझे कोई डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन करके करना है तो मैं यहाँ पर पेडेंटिक आउटपुट पार्सर का यूज कर सकता हूँ अगर मुझे एजेस्टन चाहिए तो मैं जेस्टन आउटपुट पार्सर का इस्तेमाल कर सकता हूँ जो कि मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन में दिखाया था तो so, ये है दोस्तों इससे ज़्यादा कुछ है नहीं तो होपफफुल आपको समझ में आ गया होगा कि आउटपुट पार्सर क्या है इन लैंगचन पाइथन वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है इस वीडियो को देखने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद